हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को ये देख सकते हैं एक एंगल ग्राइंडर है, तो इसका मैं आज रिपेयरिंग करके सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इसका जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये बहुत जोर आवाज़ हो रहा है और जब चलता है बहुत जोर वाइब्रेशन होता है, मतलब बहुत जोर। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, ये पकड़ने को नहीं होता है और इतना जोर वाइब्रेशन होता है कि पूरा हाथ, ये जो हाथ है पूरा वाइब्रेशन हो जाता है। तो इसको देखेंगे इसका प्रॉब्लम क्या है और इसको पूरा रिपेयरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे देखते हैं इसको मैं कैसे रिपेयरिंग करता हूँ। तो पहले मैं आप लोगों को चेक करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना जोर आवाज हुआ, मतलब बहुत जोर, कान जैसा खराब हो जाएगा वैसा आवाज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका काम सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को देखिए। तो पहले एक काम करेंगे, ये वाला आगे का जो हेड है इसको ओपन करेंगे और इसके अंदर देखेंगे गियर का कुछ प्रॉब्लम है या बेयरिंग, यहाँ पे जो बेयरिंग है खराब हुआ है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह से घूम रहा है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं। तो शायद जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये आर्मेचर का बेयरिंग, तो ये जो आर्मेचर का बेयरिंग है ये खराब हो चुका है फ्रेंड्स, तो इसके वजह से इसका आवाज आ रहा है। तो खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ है। तो फिलहाल अभी थोड़ा चालू करके देखते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से आवाज आ रहा है, तो इसको खोलते हैं। तो पहले फ्रेंड्स इसका कार्बन निकालेंगे यहाँ से। तो ये देख सकते हैं ये ओपन हो गया पूरा। तो आर्मेचर को निकालेंगे फ्रेंड्स। तो 10 नंबर पाना से इसको ओपन कर लिया मैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैं आगे वाला बेयरिंग को निकाल लिया हूँ। यहाँ पे 608 नंबर बेयरिंग है फ्रेंड्स और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा खराब हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरह से देख सकते हैं, तो ये पूरा खराब हो चुका है फ्रेंड्स। और इसका जो पीछे वाला बेयरिंग भी, ये भी थोड़ा हिल रहा है, तो इसको भी चेंज कर देंगे हम। तो ये वाला जो बेयरिंग है 607 और आगे वाला 608, तो ये याद रखिए फ्रेंड्स, ये बहुत काम में आएगा। तो इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी खराब हो चुका है, ये 607 है, ये देख सकते हैं। तो अभी फ्रेंड्स ये दोनों नया बेयरिंग है मेरे पास, देख सकते हैं ये 607 है और ये 608 है, ये 607 है, ठीक है। तो इसको लगाएंगे, तो यहाँ पे ऐसा रखना है, देख सकते हैं, और थोड़ा देखिए ये अंदर चला गया पीछे वाला बेयरिंग। और ये अभी आगे का लगाएंगे, इससे पहले ये वाला देख सकते हैं, ये वाला कवर लगाना है ऐसा, ठीक है। फिर इसके ऊपर आएगा हमारा बेयरिंग और इसको ऐसा रख के मारना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं बेयरिंग को लगा लिया हूँ, फिर ग्राइंडर में फिट करेंगे। ये वाला देख सकते हैं इसका ये बेयरिंग कवर है, देख सकते हैं इसको लगाना है, ये पेनियम लगाना है। यहाँ पे देख सकते हैं गियर,
फिर ये वाला जो नट है इसको लगा देना है, इसको टाइट कर लेंगे इसे। देख सकते हैं अच्छे से टाइट हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है देख सकते हैं। अभी आगे वाला जो हाउसिंग है इसको लगाएंगे। टाइट करके देखते हैं, तो फ्रेंड्स थोड़ा देखेंगे कितना फ्री हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे घूम रहा है, तो अभी थोड़ा चालू करके देखेंगे। तो कार्बन लगा लेता हूँ मैं, अब देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत अच्छा चल रहा है, थोड़ा भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। तो इसके आगे का जो गियर सेट है यहाँ पे लगा के देखते हैं, तो थोड़ा ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा मैं ग्रीस लगा लेता हूँ। तो अभी देख सकते हैं थोड़ा ग्रीस भी कर लिया हूँ मैं इसको, फिर अब इसको फिटिंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट आ जाएगा ऐसा, देखिए हाथ में भी फ्री घूम रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरह से घूम रहा है यहाँ पे, बहुत ही पूरा फ्री। तो अभी इसका जो यहाँ पे कवर है इसको लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मशीन का कार्बन चेंज करना है, तो यहाँ पे खोल के आप कार्बन भी चेंज कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे दोनों कवर लगा दिया हूँ मैं, अभी टेस्ट करेंगे। देख सकते हैं अभी अच्छे से चल भी रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसा करके फ्रेंड्स आप कोई भी 801 मॉडल का जो ग्राइंडर रहता है ऐसा बैरिंग चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में, धन्यवाद।